भाजपुर एसडीएम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से अधिक वाहनों और अवैध खनन में लिप्त एक स्टोन क्रेशर को भी सीज किया है। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। बता दें कि पिछले लंबे समय से प्रशासन को भाजपुर की कोसी नदी में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते भाजपुर एसडीएम एपी वाजपेयी ने राजस्व और पुलिस विभाग के साथ औचक छापेमारी की। प्रशासन की टीम को देखते ही खनन माफिया भागने लगे। प्रशासनिक टीम ने तत्परता दिखाते हुए एक दर्जन से अधिक अवैध खनन से भरे वाहनों को पकड़ लिया और अवैध खनन में लिप्त स्टोन क्रेशर को भी सील कर दिया, जिसके बाद अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भाजपुर एसडीएम ने जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम एपी वाजपेयी ने बताया कि सीज स्टोन क्रेशर के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ मिलकर 11 स्थानों पर पिकेट लगाई गई है, जिससे अवैध खनन पर रोक लगाई जाएगी। फॉरेस्ट है प्लस जो राजस्व का क्षेत्र है, उसको मिलाकर 11 स्थान चयनित किए गए हैं, जहां पर कल रात्रि से जो टिकट्स हैं वो फिर से अपनी जगहों पर स्थापित की जाएंगी और वहां पर ड्यूटियां तैनात होंगी।